नमस्कार। हम महाराजा मानसिंह के मुगल सहयोग का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मानसिंह द्वारा मुगल साम्राज्य की गई सेवा के एक चरण का अध्ययन हम कर चुके हैं, जो उसने अपने दादा भारमल और पिता भगवान दास के राज्यारोहण के समय में राजकुमार के रूप में अकबर की 1562 से 1589 ईस्वी के मध्य की थी। इसमें हमने दो तरह के अभियान देखे थे। प्रथम वो अभियान थे जबकि उसे सहायक सेनापति के रूप में विभिन्न सैनिक अभियानों पर भेजा गया, जैसे कि रणथंभौर और चित्तौड़ के अभियान, मालवा और गुजरात और बंगाल में विद्रोह को दबाने के अभियान। दूसरे वो अभियान देखे जो उसने स्वतंत्र सेनापति के रूप में किए थे, जैसे हल्दी घाटी का अभियान, उत्तर पश्चिम सीमांत में कबायलियों को दबाने में सियालकोट और लाहौर के सूबेदार के रूप में उसका कार्यकाल। 1587 में वह लाहौर में था जबकि अकबर ने उसे बिहार का सूबेदार बनाकर भेजा। 1589 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत पर सेवा करते हुए मानसिंह के पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई। राजा मानसिंह का प्रथम राज्यारोहण पटना में हुआ। उसके पश्चात वह अपनी राजधानी आमेर आया और विधिवत उसका राज्यारोहण संस्कार 15 जनवरी 1590 को संपन्न हुआ। उसके राज्यारोहण को मान्यता देते हुए अकबर ने उसे राजा की उपाधि और 5,000 का मनसब प्रदान किया। इस प्रकार अपने राज्यारोहण के समय से ही मानसिंह राजपूत मनसबदारों की उस प्रथम पंक्ति में खड़ा हो गया जो जिसमें उसके दादा भारमल और उसके पिता भगवान दास खड़े थे। अब यह देखना था कि क्या मानसिंह राजा के रूप में उसी प्रकार मुगल साम्राज्य के लिए लाभदायक सेवाएं करता रहेगा जैसा कि वह राजकुमार के रूप में कर रहा था, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर का राज्यारोहण होता है। 1614 ईस्वी में राजा मानसिंह की मृत्यु होती है। हम क्योंकि राजपूत शासकों द्वारा किए जाने वाले मुगल साम्राज्य के प्रति सहयोग के विषय के अंतर्गत राजा मानसिंह का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इस शेष बचे हुए व्याख्यान में हम 1590 से 1605 ईस्वी तक अकबर के प्रति की गई मानसिंह की सेवा और 1605 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक जहांगीर के प्रति की गई राजा मानसिंह की सेवाओं का अध्ययन करेंगे। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या मुगल सम्राट के बदलने से मानसिंह की मुगल दरबार में भूमिका में कोई परिवर्तन आया। आप देखते हैं कि 5,000 के मनसबदार और राजा के रूप में एक शासक के रूप में मानसिंह ने अपनी मुगल सेवा का प्रारंभ किया। अपने राज्यारोहण के पश्चात उसने पुनः उसी पद को ज्वाइन कर लिया जहां से वह अपने राज्यारोहण संस्कार को संपन्न करने के लिए आया था, यानी बिहार के सूबेदार के रूप में अपनी नियुक्ति को उसने पुनः अपनी नियुक्ति पर उपस्थित हो गया। बिहार का सूबेदार रहते हुए उसे मुख्य काम क्या करना था? मुगल साम्राज्य के द्वारा विस्थापित किए गए अफगान तत्व जो कि विद्रोहात्मक गतिविधियों में संलग्न थे, पूर्वी भारत में केंद्रित थे। दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक तत्व वहां पर परंपरागत रूप से पाए जाने वाले हिंदू राजा थे। इन अफगान तत्वों को मुगल साम्राज्य के प्रति की जाने वाली विद्रोहात्मक गतिविधियों से रोककर मुगल साम्राज्य की अधीनता में लाना और उड़ीसा,
बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्थानीय हिंदू राजाओं को जीतकर मुगल साम्राज्य के एम्बिट में लाना राजा मानसिंह का कार्य था। यह कार्य उसने प्रारंभ किया, विद्रोहों को दबाया, राजाओं को जीता, शांति और व्यवस्था स्थापित की। 1592 ईस्वी में उसने उड़ीसा की विजय को पूर्ण कर लिया। इस प्रकार उसके अधिकार में बिहार के सूबे के साथ साथ उड़ीसा का सूबा भी आ गया। इससे मुगल सम्राट अकबर को प्रसन्नता हुई और उसने 1594 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी भी मानसिंह के सुपुर्द करते हुए उसे बंगाल को जीतने का कार्य भी सौंपा। इस प्रकार 1594 ईस्वी में मानसिंह प्रथम बार बंगाल का सूबेदार बना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार बनना मुगल साम्राज्य के मनसबदारों के लिए एक बड़ा ओहदा था और मानसिंह को यह ओहदा प्राप्त हुआ। यही नहीं, मानसिंह अपने पूर्ण सेवा काल में 3 बार बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह उसकी पहली नियुक्ति थी, जबकि 1594 से 1598 ईस्वी तक वह बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा का भी सूबेदार बना रहा। बंगाल की सूबेदारी मिलने के पश्चात उसने अपनी राजधानी टांडा से राजमहल स्थानांतरित कर ली। राजमहल नामक नगर अकबर राजमहल नामक नगर मानसिंह ने बसाया था। इसे अकबरपुर भी कहा जाता था। यहाँ के विद्रोही तत्वों को दबाने और राजाओं को अपने अधीन करने में मानसिंह को पर्याप्त श्रम साध्य होना पड़ा। राजा मानसिंह थे, उनके पुत्र थे। यहाँ पर विद्रोहों का दमन करते करते और विद्रोहों का दमन करते करते और राजाओं को अपने अधीन करते करते राजा मानसिंह का स्वास्थ्य बिगड़ गया और 1598 ईस्वी में उसने मुगल बादशाह अकबर से यह अनुमति प्राप्त की कि वह उसे अजमेर में रहने की अनुमति प्रदान करे। वह अजमेर से ही अपने बंगाल की सूबेदारी के उत्तरदायित्व को निभा लेगा। उसे वह अनुमति मिल गई। इसका एक कारण तो मानसिंह का अकबर का विश्वास पात्र और उसकी महत्वपूर्ण सेवाएं मुगल साम्राज्य को प्रदान करना था। दूसरा कारण यह था कि अकबर का बड़ा बेटा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक बना, विद्रोहात्मक गतिविधियों में लिप्त हो रहा था। इसलिए अकबर मानसिंह को अपने निकटस्थ रखना चाहता था ताकि सलीम पर नियंत्रण रखने में वह उसका सहयोग प्राप्त कर सके। इस प्रकार 1598 ईस्वी में वह अजमेर में आकर रहने लगा। उसके पुत्र बंगाल में तैनात थे, विभिन्न उपद्रवों को दबाते, लड़ाइयाँ लड़ते अथवा अन्य कारणों से राजा मानसिंह के 3 पुत्र दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह और बाद में जगत सिंह बंगाल में मारे गए। जब मानसिंह अजमेर में रह रहे थे तो उनकी अनुपस्थिति के कारण पूर्वी भारत में विद्रोहात्मक गतिविधियां पुनः प्रज्वलित हो उठी, जिसके कारण 1600 ईस्वी में मानसिंह को दोबारा बंगाल भेजा गया और यह बंगाल के गवर्नर के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल था। 1605 में जब अकबर अपनी मृत्यु शैया पर थे, सलीम के प्रति उन्हें संदेह था, तब मानसिंह को उन्होंने अपने पास आगरा बुला भेजा। राजा मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया। यह है सोचकर कि उनकी मृत्यु के पश्चात मानसिंह मुगल साम्राज्य के लिए जो विद्रोहात्मक गतिविधियां सलीम के नेतृत्व में चल रही थी, उन गतिविधियों पर
रोक लगाने में किसी प्रकार की लाभदायक भूमिका अदा कर सकेंगे और मुगल साम्राज्य के प्रति मनसबदार विश्वास पात्र बने रहेंगे। सलीम की विद्रोहात्मक गतिविधियों को देखते हुए अकबर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि क्यों ना सलीम की बजाय उसके बड़े बेटे खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाए और मानसिंह खुसरो का रिश्ते में मामा लगता था, क्योंकि मानसिंह की बहन मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, जिससे कि खुसरो और खुर्रम उत्पन्न हुए थे। यह परिस्थिति मानसिंह के लिए दुविधापूर्ण थी, क्योंकि उसने खुसरो के राज्यारोहण का समर्थन कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि सलीम में कुछ गैर जिम्मेदाराना और अनिश्चित प्रवृत्तियों की भरमार है जो कि मुगल सम्राट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व अकबर सलीम को माफ कर चुके थे और सलीम के राज्यारोहण को स्वीकृति दे चुके थे, लेकिन मानसिंह द्वारा अपनाए गए इस रुख के कारण सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से मुगल सुल्तान बना, के मन में मानसिंह के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया और इसको मानसिंह को अपने शेष बचे हुए मुगल सेवा काल में भुगतना पड़ा। मानसिंह को 7,000 का रैंक मिला था अकबर के अंतिम समय में। यह मुगल शहजादों के अलावा किसी भी अमीर को मिलने वाला उच्चतम श्रेणी का मनसब था। इससे यह पता चलता है कि मानसिंह मुगल शहजादों के बाद आने वाले मुगल मनसबदारों में और मुगल सम्राट के विश्वास पात्रों में प्रथम थे। लेकिन यह जहांगीर के समय में विश्वास पात्र और महत्वपूर्ण भूमिका चलने वाली नहीं थी। जहांगीर, क्योंकि सलीम मानसिंह से नाराज था, इसलिए उसे दरबार से दूर ही रखना चाहता था और उसे अपनी बंगाल की सूबेदारी पर पुनः भेज दिया गया 1605 ईस्वी में, सलीम के राज्यारोहण के तुरंत पश्चात। यह है तीसरा कार्यकाल था जो कि अधिक लंबा नहीं चला, क्योंकि किसी कारणवश जहांगीर ने मानसिंह को तो बिहार में स्थानांतरित कर दिया और बंगाल की सूबेदारी अन्य मुगल मनसबदार को सौंप दी। इतने से ही वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मानसिंह को आदेश दिया कि वह दरबार में जहांगीर के सामने उपस्थित हो। जहांगीर इस समय उत्तर पश्चिम सीमांत पर था। मानसिंह इतनी दूर जाना नहीं चाहता था, इसलिए 1606 में आदेश मिलने के पश्चात 1608 ईस्वी तक वह उसके दरबार में नहीं पहुंचा। 1608 ईस्वी में जबकि मानसिंह अपनी राजधानी में उपस्थित हो गया था, इसलिए वह उसके दरबार में उपस्थित हुआ। क्रुद्ध होकर सलीम उसे बिहार की सूबेदारी से भी अलग कर चुका था, इसलिए 1608 से 1609 ईस्वी तक मानसिंह अपने राज्य आमेर में रहा। मुगल बादशाह की इस नाराजगी को दूर करने के लिए मानसिंह ने कोशिश की। उसने अपनी पुत्री जगत सिंह की बेटी का विवाह सलीम के साथ कर दिया। इससे सलीम का कुछ विश्वास मानसिंह पर फिर से उत्पन्न हुआ। जब सलीम ने दक्षिण का अभियान भेजा, तब मानसिंह को एक सहायक सेनापति के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना और मुगल शहजादे परवेज के साथ भेजा। इस प्रकार एक स्वतंत्र सेनापति और बड़े मनसबदार से राजा मानसिंह की पदावनति एक अधीनस्थ मनसबदार के रूप में हो चुकी थी। इतना ही नहीं, दक्षिण के अभियानों को संपन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन भी नहीं दिए गए, इसलिए वह दक्षिण में कुछ खास उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सके। ऐसे
अहमदनगर के राज्य के खिलाफ जिस अभियान पर उन्हें भेजा गया था। ऐसी परिस्थितियों में, निराशाजनक स्थिति में, 6 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर में राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजा मानसिंह, जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय में सर्वोच्च श्रेणी को प्राप्त हुए थे, मुगल बादशाह जहांगीर के समय में उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे और उनका अंतिम समय आशापूर्ण व्यतीत नहीं हुआ। कुल मिलाकर 52 वर्षों तक, 1562 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक उन्होंने मुगल साम्राज्य की सेवाएं की। यह सेवाएं उन्होंने राजकुमार और राजा के रूप में की। दो महान मुगल बादशाहों अकबर और जहांगीर की सेवाएं की, इसमें उन्हें सफलताएं मिली। 7,000 का मनसबदार, राजा की पदवी, फरजंद का की उपमा उन्हें मुगल सम्राट अकबर की तरफ से दी गई। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। इस प्रकार अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाले प्रथम राजपूत शासक सिद्ध हुए, लेकिन यह चरमोत्कर्ष जहांगीर के समय में नहीं बना रहा। फिर भी मानसिंह के नाम पर महत्वपूर्ण सैनिक सेवाएं मुगल साम्राज्य की दर्ज हैं। ये सेवाएं उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत में की थी, पूर्वी भारत में की थी और दक्षिण भारत में की थी, और हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई राजा मानसिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह था मुगल मनसबदार के रूप में राजा मानसिंह का मूल्यांकन। अब क्योंकि राजा मानसिंह एक दोहरी भूमिका में थे, वह आमेर के राजा होने के साथ साथ मुगल मनसबदार थे, इसलिए एक नज़र हमें दोनों का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन करने पर डालनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि क्या मुगल साम्राज्य के मनसबदार के रूप में किसी राजपूत शासक की भूमिका अपने राज्य के प्रति उनके कर्तव्यों में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए बाध्य करती है अथवा नहीं। आप देखेंगे कि राजा मानसिंह अपने राज्य के शासक के रूप में अथवा मुगल साम्राज्य के मनसबदार के रूप में, दोनों में सफल साबित हुए। वह एक महान शासक रहे। उनके उनके अपने राज्य से अनुपस्थित रहते हुए भी उनके राज्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। वह एक महान सेनापति थे, जैसा कि मुगल साम्राज्य के प्रति की गई उनकी सेवाओं से जाहिर होता है। वह एक अच्छे संगठनकर्ता थे, जैसा कि उन्होंने पूर्वी भारत में अपनी सैनिक सेवाएं देते हुए विद्रोहात्मक तत्वों को अपने अधीन रखने में दिखाया। अपने इन सेवाओं के बदौलत उन्होंने न केवल आमेर का नाम ऊंचा किया, वरन मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित राजपूत राज्यों में शामिल कर दिया। अकबर के प्रति मानसिंह की निष्ठा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह अंधभक्ति भी नहीं थी। यह तब स्पष्ट हुआ जबकि अकबर के द्वारा मानसिंह को दीन ए इलाही का सदस्य बनने के लिए कहा गया, लेकिन मानसिंह ने मना कर दिया। यह कहते हुए कि अकबर के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां तक धर्म की बात है तो हिंदू धर्म की मुहर उनके जन्म के साथ ही उनके ऊपर लग चुकी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी निष्ठा और अपने धर्म के प्रति समझौतावादी रवैया मानसिंह ने नहीं अपनाया, और मुगल सम्राट अकबर की भी यह महानता थी कि वह इन दोनों तत्वों में तालमेल स्थापित करने में सफल रहा। उसने किसी राजपूत शासक को अपने साथ किसी प्रकार की निष्ठा में बंधने के लिए बाध्य नहीं किया। मानसिंह एक विद्वान शासक थे, संस्कृत के विद्वान थे। उनके दरबार में
कलाकारों और विद्वानों का जमावड़ा था। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्माणात्मक कार्य करवाए। पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मनसबदार रहते हुए उन्होंने नए नगरों की स्थापना कराई। ये नगर थे मानपुर बिहार में, अकबरपुर बंगाल में, और बिहार में जो एक नगर पहले से बसा हुआ था रोहतासगढ़, वहां पर उन्होंने राजमहलों का निर्माण कराया। पूर्व के अपने युद्धों के दौरान उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, जिसे प्रतिष्ठित करके उन्होंने शिला माता का मंदिर आमेर के किले में बनवाया। जयपुर में उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह के नाम पर जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया और वृंदावन में गोविंद मंदिर बनवाया। यह दोनों वैष्णव संप्रदाय के मंदिर हैं। आमेर के महलों में उन्होंने शीश महल का निर्माण करवाया और 12 दरियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार एक शासक के रूप में, निर्माता के रूप में, सेनापति के रूप में और मुगल मनसबदार के रूप में मानसिंह की सेवाएं अतुलनीय रही। धन्यवाद।